फुटपाथ और चाहे किसी काम के लिए होता हो, मगर आम पैदल चलने वालों के लिए तो नहीं ही होता है। इतनी चौड़ी सड़क, फिर भी ढंग का फुटपाथ नहीं, और है भी तो मलबा फेंकने के लिए, बस यही इसका इस्तेमाल है। एक इस्तेमाल और है, आप अपनी नजर से खुद ही देख लीजिए। जी हाँ, यही सड़क पार करने के लिए पुल पार करना पड़ेगा लोहे का। ये जो दिख रहा है ये वाला नहीं, बल्कि इसके बगल में, हाँ, ये लोहे का पुल जिसके साथ साथ अभी हम चल रहे हैं। ये फुटओवर ब्रिज बस स्टॉप से इतना दूर बनाया गया है, आम लोग थोड़ा बहुत भी राहत का अधिकार नहीं पा सकते, क्योंकि फिर उनमें और ख़ास लोगों में फ़र्क ही क्या रह जाएगा। एक एक सीढ़ी चढ़ते जाओ, अचीवमेंट महसूस करो गुरु। पुल पर चढ़ाने के बाद एक अचीवमेंट जैसा एहसास होता है। चारों तरफ के दृश्य मनोरम लगने लगते हैं। वो नाला लंदन की टेम्स नदी जैसा दिखाई देता है। ट्रैफिक आता जाता भाता है। शायद इसी सुख के लिए पैदल चलने वालों से इतनी मेहनत करवाई जाती है। ब्रुकलिन ब्रिज पर चलने का एहसास यहाँ लोकल ही मिल रहा है, और क्या चाहिए। शायद आप में से कईयों को मेरी बातें नेगेटिव लग सकती हैं, तो दो पॉजिटिव बातें, माफ़ कीजिएगा, पॉजिटिव बातें कहता हूँ। पहली बात तो ये कि इस पुल के नीचे झांकने पर शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का एहसास, उसकी भावना के दर्शन मुझे हुए, शायद आपको भी हों। और दूसरी बात ये कि जब आप इस बस स्टॉप से, माफ़ कीजिएगा, इस पुल से नीचे उतरेंगे, तो इधर का बस स्टॉप आपको नज़दीक ही मिलेगा। ये दो पॉजिटिव बातें कहकर, ज़्यादा कुछ न कहकर मैं चलता हूँ, क्योंकि बस स्टॉप पर पहुँचते ही मुझे दूर से ही अपनी बस दिखाई देने वाली है, और मैं उसकी तैयारी में लग जाऊँगा, यानी कि उस पर चढ़ने की तैयारी में।